योजना की प्राप्त शुरुआत कर होने रहे जा रहा हैं। है, जिन्हें इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मई 2021 से 2021 के नवंबर माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, न केवल देश के अंदर आम नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने का यह एक अभिनव अभियान रहा है, दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इस पूरे कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 6,67,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए उन्हें उचित उपचार और राहत देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण में भी अब तक उत्तर प्रदेश ने 5,21,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का सुरक्षित टीका, ये टीका केवल टीका नहीं बल्कि इस महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है, और अब तक उत्तर प्रदेश में 5,21,00,000 से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। और आज हम विगत एक वर्ष से जिसे एक
अन्न योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बड़े अभियान के माध्यम से उस हरेक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का कार्य प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और ये नवंबर तक ये योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन अन्न के साथ साथ उसे एक सुरक्षा के लिए सुरक्षित बैग भी उपलब्ध हो जाए, ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ठीक एक वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में DPR और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था, वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने, देश के अंदर हर तबके के नागरिकों को उस महामारी के दौरान न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनकी जरूरतों को हर स्तर पर पूरा करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम के संबंध में एक लघु फिल्म तैयार की गई है, कृपया इस फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ करें। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई।
जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह 15 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्यों के राशन कार्ड धारकों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पहला चरण पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल माह से नवंबर माह तक चलाया गया। 8 माह में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 56,21,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 2,69,000 मीट्रिक टन चना निःशुल्क वितरित किया। इस वर्ष पिछले 3 महीनों में 21,14,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको राशन सबको पोषण, धन्यवाद मोदी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस योजना के कुछ लाभार्थी आपका धन्यवाद स्वयं करना चाहते हैं। इस क्रम में पहले नंबर पर वाराणसी से हमसे जुड़ रही हैं श्रीमती बदामी जी, कृपया वाराणसी को लिंक करें। बदामी जी नमस्ते। नमस्ते सर, अरे मंत्री जी। बदामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी मंत्री जी नरेगा के। हाँ। परिवार में 2 परानी हम सब है। हाँ। 3 बच्चे है। आपका घर कैसे चलता है? कमाई के साधन क्या है? कमाई के साधन मंत्री जी यह चल रहा है नरेगा का। हाँ। मजदूरी में। अच्छा बदामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिल रहा है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, इससे परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है? बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बदामी जी, आपका घर कैसा है? कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी तुम का कृपा है कि ऐसे एकदम मड़ ही रहा है हम सबका, आपका तुम की कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा? हाँ सब मिला है जी। अच्छा तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी? हाँ सर। हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे, एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे?
नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी सब दिन। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, हाँ, तो आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे थे। पहले तो अथवा मड़ई में रहे थे, कोरी पानी चुहाते कोरी काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सब पे हमके बहुत सुविधा मिल गया है। चलिए बदामी जी, आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे, और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। मुझे विश्वास है कि ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। जी का मंत्री जी, हम पढ़ा रहे हैं, अथुआ करेगी, सब करेगा, तुमका कृपा है तो सब हो जाएगा। मंत्री जी धन्यवाद जी। कुशीनगर से अमलावती जी हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया कुशीनगर को लिंक करें। अमलावती जी नमस्ते। अमलावती जी, पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई, कहीं ले गए, लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं है। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना हमके राशन जैसे मिला ताटे, 1 35 किलो, 1 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रवरी दयास है। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ, तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सब खुश है। हाँ, हमने के दोनों प्राणी खुश है मंत्री जी, रवरे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चा है, लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बनिए, आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा, हमके अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो? अच्छा अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को कोई न कोई परेशान किया हुआ है। अब आपको काम मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? हमके मास्क जैसे मिलल बा लगावे के, हमके साबुन से हाथ धोवे के मिलल बा, नहाए धोवाए के मिलल बा, कपड़ा अच्छे से रखे के मिलल बा, हमके सब गुरौरी दया से सब बढ़िया तर से बानी, हम कोनो बात के नहीं के परेशानी। अच्छा, तो आपने टीका भी लगवा लिया? हाँ मंत्री साहब। हाँ, अच्छा टीका लगने में कोई डर तो नहीं लगा ना? टीका लगल बा, हमने के 18 साल का लड़का बना उन्हों का लागल बा, दूजने और बाल उन्हों का लागल बा, हमने को दोनों प्राणी का लागल बा। अच्छा, कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपके साथ ऐसा नहीं, तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं नहीं, हमने के टीका लग गई बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं के। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है, मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए, आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जिनके जनधन बैंक खाते हैं, उनके खाते में पैसे भी जमा किए गए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। घर,
शौचालय, बिजली, गैस के बाद अब हर घर पाइप से पानी की भी पहुंचाने की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं और घर तक पानी भी पहुंचाएंगे। तो आपके आशीर्वाद बने रहे ताकि मैं सब काम कर सकूं। हम नहीं करो रे आशीर्वाद से कदम बनिया बनी जा तोरी दया से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मंत्री साहब। झांसी से हमसे जुड़ रहे हैं पंकज सहगल जी, कृपया झांसी को लिंक करें। पंकज जी नमस्ते। पंकज जी आप ये बताइए कि आप करते क्या है और कोरोना के संकट काल में आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? नहीं सर, मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है, जो गरीब लोग पूरे ग्रामीण लोगों को आते होंगे उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर, नहीं नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा पंकज जी, इन योजनाओं के अलावा आपको कोई और योजनाओं के भी लाभ मिले हैं क्या? जी सर, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, रसोई गैस मिली हुई है सर। कितनी जमीन है आपकी? सर 1.5 से 2 एकड़ जमीन। और क्या खेती करते हैं? सर इस समय मूंगफली का सीजन है, उस समय फिर गेहूं करते हैं। देखिए आपका ये इलाका तो ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है। जी सर, अभी समस्या तो है लेकिन इस बार बरसात अच्छी हो रही है। तो बरसात का पानी बचाने की कोशिश हो रही है क्या गाँव में सब लोग? जी सर बिल्कुल हो रहे हैं, तालाबों की गहराईकरण की जा रही है। हाँ। कुओं को भी साफ सफाई करके गहराईकरण हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए पंकज जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। तो ये आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र